ये सर ऊपर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो हमने विदेशों में देखा था कि साउथ अमेरिका में, जैसे कि ब्राज़ील की बात की जाए या अर्जेंटीना की बात की जाए, वहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सूखे के वाले हालात देखने को मिल रहे हैं, शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है। हालांकि जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार अभी बरसात हो सकती है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से सोयाबीन को थोड़ा सहारा देखने को मिल सकता है, और उसी की वजह से हमने देखा है कि सोयाबीन का वायदा बाजार पिछले 2 से 3 दिनों से लुढ़कता हुआ भी नज़र आया है वेदर कंडीशंस की वजह से। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन अभी कुछ दिन तक ऐसे ही नरमी के साथ ट्रेड करती नज़र आएगी? क्योंकि हमने US सोयाबीन को ऊपर में 1390 तक भी जाते हुए देखा, लेकिन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में देख रहे हैं कि आज 1360 तक भी पहुंच गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी कुछ समय के लिए सोयाबीन में जो कारोबार है वो मंदी वाला रहने वाला है? देखिए, एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल मंदी ही है, तेजी का रुझान नहीं बन रहा है और विदेशी बाजारों में थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में प्रेशर और आगे बढ़ना तय है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से सोयाबीन फिलहाल तेज होती हुई दिखाई नहीं देगी, आगे चलकर और दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,